रायपुर सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में भाजपा के 4 सदस्यीय प्रमंडल प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सांसद ने अपने पत्र में कवर्धा विधानसभा और बस्तर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर शिकायत की है। शिकायत पत्र के अनुसार कवर्धा में जो लोग नहीं रहते, ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज है। सांसद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से ऐसे लोगों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित करने की मांग की है। वही बस्तर से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा द्वारा आम जनता के बीच रुपए बांटने की शिकायत करते हुए लखमा की मान्यता रद्द कर उनके चुनावी दौरों की निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियोग्राफी कराए जाने की भी मांग भाजपा के प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट के समय रायपुर सांसद सुनील सोनी के साथ अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के अध्यक्ष विकास मरकाम और भाजपा के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आज मुख्य निर्वाचन आयोग में हमने बस्तर लोकसभा और कवर्धा लोकसभा, ये दो लोकसभाओं की शिकायत लेकर हम आए हैं। हमने मैडम से अनुरोध किया है कि कवर्धा के अंदर में जो लोग नहीं रहते हैं, ऐसे सैकड़ों लोगों का जो है नाम मतदाता सूची में है कि जो फर्जी मतदाता है उनको विलोपित किया जाए। बस्तर के अंदर में श्री कवासी लखमा, उन्होंने दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी के मंदिर के पास में 500-500 के नोट उन्होंने बांटे। अभी वो प्रत्याशी भी डिक्लेयर नहीं हुए अधिकृत तौर पे। उसके पहले आर्थिक प्रलोभन देकर जो है जनता के बीच में जाकर उसको जनता को प्रभावित करने का सफल प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी मान्यता को रद्द किया जाए और आने वाले समय के अंदर में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। और अन्य विधानसभाओं में भी जहां कवासी लखमा जाते हैं